बकेट। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना प्याज बिना टमाटर से बना हुआ शाही मशरूम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। एक छोटा चम्मच चाट मसाला और इन सभी को अच्छे से आपस में मिला लेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे हम मशरूम। हमने मशरूम को आधा काट लिया है। यहाँ पर हम 1 पैकेट मशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मशरूम को अच्छे से हमने कोट कर लेना है मैरिनेशन के साथ। और अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरीके से रख देंगे, 1 से 2 घंटा ढक्कन लगा के रख दीजिए। और 1 घंटे बाद ये मैरिनेटेड मशरूम जो है इसको हम डाल देंगे तेल में। इसे हमने हल्का सा पकाना है। मशरूम जो है वो थोड़ा पानी छोड़ देंगे, तो हमें इसे अच्छे से 5-6 मिनट पकाना है जब तक कि पानी जो है वो पूरे तरीके से सूख ना जाए। मशरूम का पानी जो है वो लगभग सूख चुका है, देखिए कलर चेंज हो गया है, जो मशरूम है वो बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम बस गैस बंद कर देंगे और अब हम बनाते हैं ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 बड़े चम्मच जो है दही डालेंगे। और इसे अच्छे से हमने फेंट लेना है। देख सकते हैं दही अच्छे से जो है हमने फेंट ली है, बिल्कुल बढ़िया हो गई है, एकदम क्रीम जैसी। और अब हम इसमें डाल देंगे काजू की पेस्ट। 3 से 4 बड़े चम्मच काजू की पेस्ट यहाँ पे डाली है। काजू की पेस्ट बनाने के लिए हमें काजू जो है वो या तो पहले से पानी में भिगो के रखने हैं तब उसे पीसना है, या फिर हम काजुओं को गर्म पानी में बॉईल कर सकते हैं थोड़ा सा और फिर उसे पीसेंगे, तो ये पेस्ट जो है वो बिल्कुल एकदम फाइन बनेगी। इसे आपस में अच्छे से मिला लेंगे हम। अब एक कढ़ाई में लेंगे तेल, उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिलाएंगे, पका लेंगे। और ताकि मसाले जले ना, तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से मसाले पक चुके हैं, देखिए तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे दही और काजू का मिश्रण
और इसे अच्छे से मिलाएंगे। हमें लगातार इसे चलाते रहना है, नहीं तो जो हमारी दही है वो फट सकती है और इससे स्वाद जो है वो अलग ही हो जाएगा इसका। तो इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है और बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। तो लगभग हमें 8 से 10 मिनट इसे पकाना है। देखिए ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए मशरूम। मशरूम को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसे 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। तो हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने देंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मशरूम जो है वो पक चुके हैं और आप देखिए हमने इसमें ना टमाटर का इस्तेमाल करा है ना प्याज का। अब एक पैन में लेंगे हम थोड़ा सा तेल, उसमें डालेंगे 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। इसे अच्छे से हम सौते कर लेंगे। हम इसमें डाल देंगे अदरक के लच्छे और कटी हुई हरी मिर्च। तो हम इसके ऊपर जो है एक छौंका सा डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसे पहले भी बना सकते हैं और फिर इसमें मसाले डाल सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से हम सौते करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। इसे मिला लेंगे और जरा सा पकाएंगे और अब हम इसे डाल देंगे अपनी बनाई हुई ग्रेवी में। इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लीजिए। कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे और शाही मशरूम बिना प्याज बिना टमाटर के बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल जस्ट कुक इट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।